में हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाउसफुल 4 के 5 दिन के कलेक्शंस के बारे में। मैं यहाँ पे प्रोड्यूसर्स फिगर बताऊंगा, ट्रेड फिगर भी बताऊंगा, साथ ही इस वीडियो में कुछ और चीजें बताऊंगा जो जानकर आपको बहुत खुशी होगी, इतना मैं कह सकता हूँ आपको। सबसे पहली बात करते हैं इस फिल्म के ट्रेड की। तो इस फिल्म ने ट्रेड के हिसाब से पहले दिन 18.50 करोड़ की कमाई की थी और दूसरे दिन 18 करोड़ की कमाई की थी, थर्ड डे 14.25 करोड़ की कमाई की थी, चौथे दिन 34.25 करोड़ की कमाई की थी और पांचवें दिन 24 करोड़ तक की इसने कमाई की और टोटल इस फिल्म का 5 दिन के बाद 109 करोड़ होता है। वहीं अगर प्रोड्यूसर्स फिगर की बात की जाए तो 19.08 करोड़ फर्स्ट डे, 18.81 करोड़ सेकेंड डे यानी कि लगभग 19 करोड़ के आसपास, थर्ड डे 15.33 करोड़, चौथे दिन इसका था 34.56 करोड़ यानी कि 34.5 करोड़, और पांचवें दिन इसने 24.04 करोड़ तक का कलेक्शन किया। यानी कि जो लोग ये कह रहे कि बहुत ही ज्यादा है ना फर्जी कलेक्शन बताया जाता, आपको बता दूं अगर फिफ्थ डे के कलेक्शन से कंपेयर करें, ट्रेड कह रहा है 24 करोड़, प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं 24.04 करोड़, यानी कि सिर्फ 4 लाख का डिफरेंस नजर आ। तो कहां से ये चीजें आती है कि फेक कलेक्शन है, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एंड देन आफ्टर फिफ्थ डेज इसका टोटल हुआ है 111.82 करोड़, 111.82 करोड़ ये इसका टोटल आया, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा टोटल है। And I am very much sure the film is doing great और ये फिल्म बहुत अच्छे से आगे जाएगी, इतना मुझे यकीन है। और इसने 11.82 करोड़ तो कमाई की है और साथ ही इसने उनकी अक्षय की खुद की ही फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का, जिसका 170 करोड़ के आसपास कलेक्शन था, जो एल बी टू का कलेक्शन जो उसके आसपास ही था 116 या 170 करोड़ के बीच में, दो जो आसपास में था, इन दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब यहाँ पे इसका टोटल तोड़ देगी, माफी चाहता हूँ, क्योंकि 111.82 करोड़ है ना, 116-117 करोड़ उसका, ठीक है, यह मतलब आज का जो दिन होगा, आज छुट्टी नहीं, तोड़ देगी रिकॉर्ड। लेकिन इसने ऑलरेडी पांचवें दिन यानी कि ट्यूजडे के हिसाब से जो रिकॉर्ड बनाया वो आपको बता दो, मैं कुछ फैक्ट चेक कर रहा था तो उसमें ये पता चला है कि ये अभी तक की बॉलीवुड की पांचवी बिगेस्ट अर्निंग है अगर बात करें हम ट्यूजडे की, और अगर हम बात करें एनहांस टिकट प्राइस की या हॉलीडे पे जो फिल्म ट्यूजडे पे रिलीज हुई थी उसकी, ठीक है, पांचवें दिन की। तो ये जो आंकड़े हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आंकड़े जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि इसने बहुत अच्छी तरह से कमाई की है। मैंने आंकड़े अभी जो लिख के रखा था, मैं उसको सर्च करके आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आंकड़े मेरे पास है और आंकड़े मैं आपको बता देता हूँ। और फर्स्ट नंबर पे बाहुबली थी जिसने 29.78 करोड़ तक की कमाई की थी मंगलवार को, बाहुबली 2, ठीक है, और उसका टिकट प्राइस एनहांस था, हिंदी वर्जन की मैं बात करूं सिर्फ, ठीक है। सिम्बा सेकंड नंबर पे है, हाईएस्ट ट्यूजडे की बात करें वो भी हॉलीडे पे, 27.93 करोड़ है उसका कलेक्शन यानी कि लगभग 28 करोड़। तीसरे नंबर पे है वॉल फिल्म, 27.13 करोड़, हॉलीडे था इसका भी मंगलवार को, और किक फिल्म का भी हॉलीडे था मंगलवार को, उसने 26.82 करोड़ का कलेक्शन किया था ट्रेड फिगर के हिसाब से। और पांचवें नंबर पर हाउसफुल 4 आ रही है जिसने 24 करोड़ तक का कलेक्शन किया है ट्रेड के हिसाब से। तो ये फिफ्थ हाईएस्ट ओपनर साबित हुई है जहां पर फिल्मों की बात करें मंगलवार की पांचवें दिन की, और स्पेशली बात करें हॉलीडे पर जो फिल्म मंगलवार को रही या फिर जिसके टिकट प्राइस बढ़े थे उन सबके लिस्ट के हिसाब से बात की जाए तो फिफ्थ हाईएस्ट फिल्म रही है बॉलीवुड की, जो अपने आप में एक अच्छी खासी बात है। और फिल्म में टोटल 111.82 करोड़ तक का कलेक्शन किया है प्रोड्यूसर्स के हिसाब से और 109 करोड़ का कलेक्शन किया है ट्रेड के हिसाब से। द फिल्म इज गोइंग रियली गुड, नाउ लेट्स सी, यहां से फिल्म एक अपनी आधी जर्नी तो इसने पूरी कर लिया, जहां पे लोग ये कह रहे थे कि फिल्म है ना 100 करोड़ तक भी नहीं पहुंचेगी, तो वो जर्नी पूरी कर लिया इस फिल्म ने। अब देखने वाली बात है क्या 200 वाला जो आंकड़ा है मैजिकल आंकड़ा क्या आप लोगों को नजर आने लगा है अभी या नहीं, जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।